में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो स्कूल और कॉलेज हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, बेसिक माध्यमिक और हायर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उन सबको 2 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ प्रदेश के सभी सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, साथ ही साथ जो अन्य जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, वो अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं माध्यमिक या उच्च की, उनको भी सबको स्थगित किया गया है। तहसील दिवस, जनता दर्शन, समाधान दिवस, इनको भी 2 अप्रैल तक बंद किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों के अंदर पोस्टर और बैनर लगाकर जागरूकता के अभियान को और तेज किया जाए। सभी प्रदेश के जो धार्मिक हमारे नेता हैं, हमारे सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उसमें सभी हम धार्मिक जो गुरु हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, मस्जिदों में भीड़भाड़ ना हो, हम सावधानी रखें। और सभी जिला अधिकारियों को ये दिशा निर्देश किए हैं कि सभी धार्मिक जो हमारे गुरु हैं, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, उनके साथ संवाद स्थापित करें और सबसे अपील करें, सबका सहयोग लें कि जो महामारी है, इससे हम अपने प्रदेश को कैसे बचाएं, उसमें सभी का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में अभी स्टेज 2 में कोरोना वायरस की स्थिति है और स्टेज 3 हमारे यहां ना हो, इसके लिए ये अभियान तेज गति से चले, ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रकट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और अहम फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से ये सभी जो गतिविधियां हैं, इन पर रोक लगाई गई है, तो जो गरीब है, जिसको हर दिन वो रोजी रोटी के लिए निकलता है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी, ये 3 लोगों की एक कमेटी बनाई है, तो गरीबों का भरण पोषण सुनिश्चित हो, उसके लिए ये कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी और उसके आधार पर कि जो सभी हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनके खाते में RTGS के माध्यम से कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा प्रकट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिए हैं कि प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोरोना से ग्रस्त कोई भी मरीज हॉस्पिटल में है, उनका पूरा इलाज मुफ्त में किया जाएगा, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी कार्मिक है, तो उनकी तनख्वाह भी उनको लगातार मिलती रहेगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिए हैं कि जो प्राइवेट जो फर्म है,
और मैं जो काम करने वाले लोग हैं वो घर से ही अपना काम करें, और सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जहां सुविधा है वहां वो लोग अपने घर से ही काम कर सके। प्रदेश में सभी तरह के धरना प्रदर्शन, इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है, और हम सब लोग मिलकर इस महामारी से अपने प्रदेश को बचाए, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब प्रदेशवासियों से अपील की है। आज के जो मद हैं, मैं माननीय सिद्धार्थ जी से अनुरोध करूंगा कि एब्सोल्युटली मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि सभी तरह की जो परीक्षाएं चल रही हैं उन सबको स्थगित किया गया है। एक बार माननीय सिद्धार्थ जी अपना जो मत है उन पर, बिल्कुल उसी के लिए मद्देनजर एक कमेटी तो इसलिए बनाई है ना मित्र, 3 दिन में रिपोर्ट आएगी उसकी। कृषि मंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में। तो देखिए आपने देखा कि किस तरह से